अब तक आपने देखा राजकुमारी कुंती नवजात कर्ण का त्याग कर देती है, पर सुषेण अधीरथ भगवान सूर्य के पुत्र को बचा लेता है। राधा ने इस बालक को जन्म नहीं दिया, किंतु ये मेरी संतान है। राधा शिशु कर्ण को स्वीकार करने से मना कर देती है। परिवार समेत अधीरथ संकुप्रत की ओर प्रस्थान करता है। कर्ण अब भी माँ राधा का प्यार पाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। कर्ण माँ के प्रेम के लिए ज्ञान प्राप्त करने निकलता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। क्या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है बालक? कस्तूरी मृग की नाभि से कस्तूरी निकालने का ज्ञान। किंतु क्या तुम धनुर्धारी हो? अगर मेरे पास धनुष होगा तो क्या मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा? हाँ। ये विचार लेके कर्ण घर पे आता है और अधीरथ और उच्चसेन से कहता है, पिताजी मुझे एक धनुष चाहिए। उच्चसेन धनुष के दर्शन कराने के लिए कर्ण और शोन को क्षत्रियो की एक प्रतिस्पर्धा में ले जाता है। तभी उसकी दृष्टि पटाखे की तरफ जाती है और उसे ये ज्ञात होता है, लक्ष्य भेदने के लिए हमें बाण पवन की दिशा के अनुरूप छोड़ना होगा। अब आगे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कर सकते हैं लक्ष्मेद, क्यों नहीं, किंतु आप तो बालक है, आपको कौन प्रतियोगिता में भाग लेने देगा? क्षमा कीजिए। चलो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं, अभी बताता हूँ। कहाँ भाग रहे हो दुष्टों? ये बालक छोड़ूंगा नहीं, अवश्य उसी दिशा में गए होंगे। कर्ण, सुन, कर्ण, कर्ण, रानी पाता उसे, कर्ण जी। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? दादा श्री धनुष उठाने जा रहे हैं। अरे कर्ण, कर्ण,
कौन? सुनो सज्जनों, क्षत्रियों और धनुर्धारियों, क्या इस नगर में है कोई महान धनुर्धारी? कर्ण? उत्तम, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ। पिताश्री, पिताश्री, देखो कर्ण। हाँ पुत्र, पढ़। कर्ण, क्या आर्यवर्त में कोई धनुर्धारी नहीं? क्या सारी पृथ्वी शक्तिहीन हो गई है? कोई नहीं जो अपराजित धनुष से लक्ष्य भेद सके? कोई है जो प्रयत्न करने का साहस लेकर जन्मा हो? मैं प्रयत्न करूंगा। इन बालकों को तो देखो, कैसे एक के ऊपर दूसरा खड़ा है। क्या साहस है, अद्भुत। बालक, क्या ये केश माता की चोटी काट कर लगाए हैं? नहीं, घोड़े की पूंछ काट के लगाए। जाओ बालक, यहाँ प्रतियोगिता हो रही है, खेल नहीं। और कोई है जो धनुष उठाने का साहस कर सके? महोदय, मुझ में साथ। जाओ पुत्र, खेल खेल में इस धनुष से तुम्हें लग भी सकती है। जैसे इन क्षत्रियों को लग गई थी। मुझे बस एक अवसर दे दीजिए महोदय, मुझे माता के लिए कस्तूरी मिल्क लाना है, उसके लिए मुझे इस धनुष की आवश्यकता है। जाओ पुत्र, जाओ। चलिए भ्राता। बालक को खेलने दीजिए महोदय। हाँ, वैसे भी इन योद्धाओं और इन क्षत्रियों ने बालकों जैसा ही तो प्रदर्शन किया था। मुख बंद रखो, अन्यथा मस्तक उतार लेंगे। अरे पहले धनुष तो उठाओ, फिर मस्तक काटने की बात करना। बालक, खाओ धनुष और दिखा दो इन क्षत्रियों को कि तुम्हारे खेल और इनकी विद्या में कोई अंतर नहीं। आओ पुत्र, पहले इस धनुष को उठाने का प्रयत्न तो करो। सज्जनों सुनो, अब यह बालक इस धनुष को उठाने का प्रयत्न करेगा।
लक्ष्य उस दिशा में है, इस दिशा में नहीं। श्री पिताश्री, मेरा मित्र कर्ण जीत गया। कर्ण, कौन है बालक? अरे राधा चाची का पुत्र, जिनके पास आप रथ ठीक कराने जाते हैं। कर्ण मेरा मित्र है। अधिरथ? अधिरथ का पुत्र? सूत का पुत्र? सूत का बालक है ये? एक सूत के बालक ने प्रतियोगिता में भाग लिया? इसे तो दंड मिलना ही चाहिए। इसे दंड मिलना ही चाहिए। दंड मिलना ही चाहिए। अवश्य दंड मिलना चाहिए। अपमान है, इसे दंड मिलना ही चाहिए। ये क्षत्रियों का अपमान है, इसे दंड दिया जाएगा। दंड दिया जाना चाहिए इसे। इस बालक को दंड दिया जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत है। मिलना ही चाहिए। ये बालकों का खेल है, बालकों का खेल है। इसे इतना महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं। एक सूत के बालक को धनुष उठाने की अनुमति किसने दी? यह क्षत्रियों का अपमान है, इसका दंड दिया जाएगा। ये क्षत्रियों का अपमान है, इसे दंड दिया जाएगा। इसे दंड अवश्य दिया जाएगा। सूत का पुत्र यदि इतनी धनुर्विद्या जानता है तो उसे जीवित नहीं रखा जा सकता। सूत और अन्य जाति के लोगों में इससे विद्रोह की प्रेरणा मिल सकती है। हाथ काट दो इस बालक के।